ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं, शायद फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को जनरली स्टूडेंट्स पी सिंबल से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है कि जैसे कोई बॉल है अगर 2 kg की और वो आगे जा रही है विद स्पीड ऑफ 5 m/s, तो उसका जो मोमेंटम है हम बोलेंगे 2 × 5, दैट इज 10 इन प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, तो ये मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। जैसे कि इस केस में वेलोसिटी डायरेक्शन ऑब्वियसली आगे की तरफ है स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे मोमेंटम भी जो है, मोमेंटम जो है वो भी आगे की तरफ है। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स के दिमाग में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंटम का। देखो कुछ सिचुएशंस लेके मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स, जैसे कुछ बहुत सिंपल सी सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो दो बहुत ही भारी ट्रक है हमारे पास, 100 kg 100 kg की बहुत ही भारी ट्रक है या कार है, एक 2 स्पीड से आगे जा रही है और एक 5 m/s की स्पीड से आगे जा रही है। ठीक है, बहुत तेजी से आगे जा रही है, तो बताओ किसको रोकना आसान होगा। ऐसे तो दोनों को रोकना डिफिकल्ट है, बट फिर भी किसको रोकना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, किसको रोकना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही रहे होंगे कि ये बहुत तेज तेज चल रहा है, तो इसको रोकना जो है वो काफी डिफिकल्ट होगा, जबकि इसको रोकना थोड़ा सा इजी होगा कंपैरिजन। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? देखो इसका मोमेंटम आप देखो कितना होगा और इसका मोमेंटम आप देखो कितना होगा। क्लियरली आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि इसका मोमेंटम जो है वो काफी ज्यादा है, जबकि इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम है। तो इसको रोकना इसलिए डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जिन चीजों का मोमेंटम ज्यादा होता है ना स्टूडेंट्स, जिन चीजों का मोमेंटम ज्यादा होता है उनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो कुछ और सिचुएशंस देखते हैं, यहां पे 100 kg का ये ट्रक है, 2 स्पीड से आगे जा रहा है, ये 10 kg का ट्रक है या छोटी सी कोई व्हीकल है जो 2 m/s की स्पीड से आगे जा रही है। दोनों सेम स्पीड से आगे जा रही है स्टूडेंट्स, दोनों सेम स्पीड से आगे जा रही है, बराबर स्पीड से, लेकिन ये बहुत भारी भरकम है, ये हल्का है, हल्का। ठीक, तो आप बताओ अब किसको रोकना डिफिकल्ट होगा। क्लियरली स्टूडेंट्स आप समझ लेंगे इसको रोकना डिफिकल्ट होगा, इसको रोकना आसान होगा। ठीक, क्योंकि भले दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं लेकिन ये बहुत भारी है ना, भारी चीजों को रोकना मुश्किल होता है, हल्की चीजों को रोकना आसान होता है। ठीक, तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप मोमेंटम के टर्म में अगर देखेंगे तो यहां पर फिर से मोमेंटम ज्यादा है इसलिए डिफिकल्ट था रोकना, यहां पर मोमेंटम जो था वो कम था इसलिए आसान था रोकना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स अपने लेवल पे, कि मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब होता है कि उस चीज को रोकना डिफिकल्ट होगा, क्या तो उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा हो, इन दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट को रोकना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। जैसे देखो एक बुलेट देखते हैं स्टूडेंट्स, बुलेट बहुत छोटा होता है, उसका मास कम होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा। एक बुलेट को रोक सकते हो क्या आप? नहीं, एक बुलेट को रोकना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो किसी भी चीज को चीर के निकल जाती है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसको रोकना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी आपको फील आ रही होगी स्टूडेंट्स की मोमेंटम का क्या फिजिकल मीनिंग है। चलो स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात हम देखना चाहते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, वो है कि मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है स्टूडेंट्स उसके बारे में हमने डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा अभी तक, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और कई बार उनको आपस में कंपेयर किया जाता है और उसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए हम इस कंपैरिजन को देखना चाह रहे हैं कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होता है वेक्टर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको सिचुएशन से एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि सपोज कर लें स्टूडेंट्स ये दो बॉल है, ये भी मास m और ये भी मास m का, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v और ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, ठीक, अगर हमें इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम बताना हो, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम, देखो टोटल मोमेंटम तो कितना बताएंगे, सोचिए जरा, टोटल मोमेंटम बताने के लिए स्टूडेंट्स इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम करेंगे, दोनों बॉल का मोमेंटम निकाल के ऐड करेंगे, तो p1 + p2 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट इसका मोमेंटम अगर हम m × v लिखेंगे तो इसका जो मोमेंटम है वो -mv लिखना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि इसके मोमेंटम की डायरेक्शन राइट की तरफ है और इसके मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, मोमेंटम इज अ वेक्टर। ठीक, तो नेट मोमेंटम हमारा जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेट मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, डायरेक्शन कंसिडर करते हुए ऐड करेंगे। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए सिस्टम की,
इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, फिर से दोनों बॉल की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एमवी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम लिखेंगे हाफ एमवी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास एमवी स्क्वायर, ठीक है, ये जीरो नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते टाइम हमने डायरेक्शन की बात नहीं की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केल है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे देखो एक और अच्छी सिचुएशन हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये ग्राउंड है सपोज करें और ये एक बॉल आती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ग्राउंड पे एक बॉल गिरती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये टकरा के रिबाउंड करेगी, बाउंस करेगी ऊपर, बाउंस करके ऊपर जाती है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, क्या इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, आप बताएं मुझे। ऑब्वियसली मोमेंटम हैज चेंज्ड। क्यों मोमेंटम चेंज हो गया है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है और यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोमेंटम हैज चेंज। पहले मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे थी, अब मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर है। बट हां ऑब्वियसली अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज सेम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरीके से, गोल 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 घूम रही है, ठीक है, उसका मास एम है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है ना, यहां पर बॉल है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, जब बॉल यहां पर आ जाएगी स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो सिंपल सा पॉइंट है कि एक जो है मोमेंटम वेक्टर है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, जो आपको बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मोमेंटम, देखो मोमेंटम जो है वो एम इंटू वी है स्टूडेंट, हमने देखा है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स ये तो आ जाएगा डीपी अपॉन डीटी, मास तो किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है तो एम डीवी अपॉन डीटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डीपी बाई डीटी हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम इंटू डीवी बाई डीटी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन, और न्यूटन लॉ से एम इंटू ए क्या होगा, एम इंटू ए दैट इज फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो क्या फिजिकल मीनिंग है इस इक्वेशन का वो भी देख लेते हैं, किसी भी चीज का फिजिकल मीनिंग देखने की कोशिश करनी चाहिए हमें फिजिक्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग कि अगर किसी चीज पे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जैसे आप देखें सपोज करें ये बॉल है स्टूडेंट्स, ठीक है, दो बॉल सपोज कर लें आप, ठीक, और इस पे कम फोर्स लग रहा है और इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, ये जो बॉल है स्टूडेंट इस पे कम फोर्स लगा रहे हैं और ये जो बॉल है इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मतलब स्टूडेंट्स इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा इसका, मोमेंटम चेंजेस फास्ट, इस केस में मोमेंटम बहुत फास्ट चेंज होगा जबकि इस केस में मोमेंटम स्लो चेंज होगा। इसका मतलब यह कि यह बहुत जल्दी जल्दी स्पीडअप होगा, बहुत जल्दी जल्दी स्पीडअप होगा और यह जो है धीरे 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 स्पीडअप होगा, ठीक है। ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा मतलब जल्दी जल्दी स्पीडअप होगा, जल्दी जल्दी भागेगा और यह धीरे धीरे स्पीडअप होगा, जो कि लॉजिकल है स्टूडेंट्स, ठीक बात है। देखिए स्टूडेंट्स फिजिक्स के हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है तो आपको पता ही है, तो वैसे ये जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स उसकी भी यूनिट होती है जिसकी हमने बात नहीं की है, शायद आपको पता भी हो कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। तो इस फॉर्मूले से मोमेंटम की यूनिट निकाली जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, फोर्स की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, फोर्स की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ टाइम, सो दैट इज न्यूटन सेकेंड, दिस इज एक्चुअली दी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक। ओके नाउ नाउ वी आर गोइंग टू सी एन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मोमेंटम, एन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मोमेंटम। देखो स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे बॉल्स हैं और इसको हम अपना सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हैं तो उसको हम एक सिस्टम लेके सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास के बारे में तो हमने पढ़ाई है स्टूडेंट्स। तो ये जो सिस्टम है हमारा उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, सेंटर ऑफ मास, और अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या बॉल्स जो है वो मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो ये इधर जा रहा है, 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 सब किधर ना किधर मूव कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा स्टूडेंट्स वो भी किधर ना किधर जा रहा होगा, सपोज कर लो इधर जा रहा है, ठीक। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है स्टूडेंट्स उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का, मतलब किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस डैश डैश डैश
डिवाइड बाय टोटल मास डिवाइड बाय कैपिटल एम, मतलब यहां पे क्या है टोटल मास, कैपिटल एम इज टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये फॉर्मुला हमने देखा है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एम को हम इधर लेके अगर लिखे हैं तो एम इंटू वीसीएम हमारे पास आ जाएगा टोटल मास। ऐसा करते हैं यहां पे टी लिख लेते हैं जिससे फील आए कि टोटल मास है। यह आ जाएगा एम वन इंटू वी वन। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, चलो वेक्टर फॉर्म में लिखना और एक्यूरेट है क्योंकि इसलिए लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ प्लस डैश डैश डैश। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें इस टर्म पे, ये टर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये टर्म क्या है। जैसे सबसे पहले ये टर्म क्या है, ये जो टर्म है एम इंटू वी वन, दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज दिस टर्म स्टूडेंट्स, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। व्हाट इज दिस टर्म स्टूडेंट्स, दिस इज मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। वैसे यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स स्टूडेंट्स वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स जिनको हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। ये पहले वाले का मोमेंटम है, ये दूसरे वाले का मोमेंटम है, ये तीसरे वाले का मोमेंटम है एंड सो ऑन, और सबको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऐड। तो ये जो हमारे पास आ रहा है व्हाट इज दैट, दैट इज टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहां से वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे पास क्या आ रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका हम कई जगह पे यूज करेंगे। इस इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, अगर हमारे पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो एक सिचुएशन लेके मैं आपको और समझाता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सोचो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे 5 kg का जो 10 m/s की स्पीड से आगे जा रहा है, और एक और ऑब्जेक्ट है 5 kg का जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। तो हमारे सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका क्या है टोटल मोमेंटम निकालने का, आप देखें पहला तरीका तो ये स्टूडेंट्स कि दोनों के मोमेंटम निकाल निकाल के ऐड कर दो। सिंपल, टोटल मोमेंटम निकालना है तो इसका मोमेंटम निकाल लो, इसका मोमेंटम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मोमेंटम लिखेंगे तो क्लियरली 5 × 10 = 50 आ जाएगा, और इसका मोमेंटम तो 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट पे, तो टोटल मोमेंटम विल बी स्टूडेंट्स 50। ठीक है, और दूसरा तरीका स्टूडेंट्स है इस फॉर्मूले के हेल्प से जो हमने अभी अभी सीखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो बेसिक तरीका कि दोनों का मोमेंटम निकाल के ऐड कर दो, और एक ये वाला तरीका जो हमने अभी अभी सीखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जिससे कि हम लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, टोटल मास हो 5 + 5 = 10 हो गया इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कि आप समझ ही रहे होंगे कितना आएगा, फिर भी मैं क्विकली निकाल देता हूं, m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2, सो दैट विल बी 5 × 10 + 5 × 0, 5 × 10 + 5 × 0 डिवाइड बाय 5 + 5। ये आप निकाल के देखना, दिस विल कम आउट टू बी 5 m/s। तो दिस विल बी 10 × 5 दैट इज वंस अगेन 50। ठीक, अब देखो दोनों तरीके से मोमेंटम सेम आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका है ही, ये एक और तरीका है मेरे पास टोटल मोमेंटम किसी सिस्टम के निकालने का। देखें स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक फैन है जो रोटेट कर रहा है स्टूडेंट्स, इसका मोमेंटम बताओ, इस रोटेटिंग फैन का मोमेंटम बताओ। तो आप सोचिए इसका मोमेंटम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो ये ब्लेड है, ये घूम रहा है, चल रहा है, इसका मोमेंटम निकालना है, इस ब्लेड का, मतलब इट इज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे ना तो बहुत ही आसान है। इस फॉर्मुले से हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज सिंपली टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। ठीक, इस फैन का सेंटर मास देख लेते हैं, उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। देखो फैन का सेंटर मास तो यहां पर है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये सेंटर मास है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लगती है स्टूडेंट्स आपको, इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0 0। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास दैट इज 0, तो इट इज सिंपली 0। पर इस रोटेटिंग फैन का जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया 0। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मुले का कैसे अच्छे से यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स। राइट।